गाड़ी हम आपको दे देंगे 3,90,000 रुपए में, स्विफ्ट डिजायर। मार्केट चेक कर लीजिएगा, नहीं मिलेगी इस रेट में। 30,000 में ZDI। रेट का फिर से चैलेंज दे सकता हूँ मैं, रेट आप देख लीजिएगा, कहीं नहीं मिलेगा। कंपनी फिटेड CNG वैगनार दे दीजिएगा 1,30,000, 1,30,000, 1,75,000। डिमांड रखी है 2,50,000 रुपए में, वरना का सपना पूरा कर लीजिए 1,90,000 रुपए में। 1,35,000 डिमांड भैया, 65,000 रुपए, 1,35,000। डबल लाइन चार नहले आपको मिलने वाले हैं। अर्टिगा ZDI 2020 मॉडल की अर्टिगा बोलेरो SLX है। अरे 4.25 लाख की गाड़ी दे, 4.25 में दे देंगे भाई। बोलेरो 2.5 लाख रुपए में दे देंगे, मात्र 2.5 में। हाँ, 7 सीटर गाड़ी, मात्र 2.5 लाख में सफारी डायको। गाइस, दिस इज पोनविश एंड यू आर वाचिंग लखनऊ राइड। आपका स्वागत है लखनऊ राइड के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। दोस्तों, आप लोग डिमांड पे एक बार फिर से आ चुके हैं वर्मा कार बाजार। बहुत ही सारे कलेक्शन साथ में, छोटी और बड़ी गाड़ियों का बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन मिलेगा। अगर आपका कम बजट है तो भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और बोलेरो अगर 12 अंकी आए तो, बोलेरो नहीं दिखाई तो क्या खाक 12 अंकी आए। आपको बोलेरो में भी कम से कम आपको 5 से 6 ऑप्शन दिखाने लगे, सो वीडियो को पूरा देखेगा। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। सब्सक्राइब के साथ साथ आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है, जिससे हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सकेगी। चलिए बुलाते हैं आशीष भाई को, उनसे इन सभी गाड़ियों के स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपके स्क्रीन पर वो नाम जहां वीडियो पर अच्छे से कमेंट करके हमें प्यार और सपोर्ट देते हैं। तो हमारे साथ है आपके फेवरेट आशीष पटेल जी। कैसे हैं आप? बढ़िया भैया, हेलो एवरीवन। तो आशीष भाई, सबसे अपने कार बाजार के बारे में और एड्रेस। भैया, वर्मा कार बाजार के अंदर आप सभी का स्वागत है। वर्मा कार बाजार आपको बाराबंकी के अंदर फैजाबाद बाईपास पे बिंद्रा धर्मकांटा के ठीक सामने मिलेगा। और हमारे ठीक सामने मारुति सुजुकी का कमर्शियल शोरूम है, और आपके सामने नंबर भी है स्क्रीन पर। उसी के ठीक सामने आपको हमारा कार बाजार मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। पहले कलेक्शन क्या क्या मिल जाएगा देते हैं। कलेक्शन में आपको अस्पायर मिल जाएगी, डिजायर मिल जाएगी, बलेनो मिल जाएगी, एक्सेंट मिल जाएगी, वैगन आर मिल जाएगी, बोलेरो मिल जाएगी, सफारी मिल जाएगी, यानी कि ऑलमोस्ट जो है हर तरह की गाड़ी मिल जाएगी ना ऑलमोस्ट। और कार टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखें, सुबह मान के चलिए 8 बजे से लेकर के और रात 10 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हम भी सोचते हैं कि आदमी सुबह से शाम तक अपने काम में बिजी रहता है, रात को घर पहुंचता है, खाता पीता है, फिर वीडियो देखता है, तो 8, 9, 10 तो बज ही जाते हैं। तो आप कॉल कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। लेकिन हाँ, ज़्यादा देर रात तक कॉल ना करें, रात को भाई थोड़ा अवॉइड करें कॉल करने से। बाकी कोई इशू नहीं है, आप मैसेज डाल दें हमारे व्हाट्सएप पे और अपनी रिक्वायरमेंट डाल दें। जी, रिक्वायरमेंट डाल दें, अपना बजट डाल दें और गाड़ी का नंबर, वो क्या नाम है, गाड़ी का नंबर आपको शो होता ही है यहाँ पे। आप गाड़ी का नंबर लिख के हमें टेक्स्ट कर दीजिए, हम उस गाड़ी की एक एक डिटेल आपको स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं। गाड़ी की रिक्वायरमेंट है, इसके हमको डिटेल और भेज दीजिए, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करें आशीष भाई, चलिए आज स्टार्ट करते हैं फोर्ड की एस्पायर से। फोर्ड की एस्पायर UP 32 लखनऊ नंबर मिलने वाला है। डिटेल्स क्या है? फोर्ड एस्पायर है, ट्रेंड वेरिएंट है, 2017 मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 65,000 किलोमीटर चली हुई है। ठीक है, गाड़ी ठीक है। डीजल है? हाँ, डीजल गाड़ी है। माइलेज? माइलेज आपको ये देती होगी हाईवे पे 25 से 26 किलोमीटर का एवरेज देगी। और सिटी की बात की जाए, ये गाड़ी सिटी में 17-18 का एवरेज, अगर ओवरऑल देखें एक नेचुरल आप चल रहे हैं शहर में भी हाईवे में भी, तो 21-22 का एवरेज बहुत ही आराम से गाड़ी निकालती है, जिसमें कोई दो राय नहीं। और जो मैं पावर फिगर, जो मैं माइलेज के फिगर में आपको बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा हूँ, खुद टेस्ट किया हूँ तभी बता रहा हूँ। आइए ले जाइए गाड़ी, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास गाड़ी है। और बाकी आप आते हैं, आपका मान सम्मान आपकी वीडियो के थ्रू रखा जाएगा। फीचर्स बढ़िया हैं, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, गाड़ी की क्वालिटी अच्छी है,
ओवरऑल एक अच्छा पैकेज प्रोवाइड करती है जिस प्राइस पॉइंट में हम आपको ये गाड़ी देने वाले हैं। तो इस गाड़ी की हम डिमांड कर रहे हैं 4.5 लाख रुपए डिस्काउंट करके, हाँ 4.5 में डिस्काउंट भी इसमें कर देंगे। आप आइएगा, आपका भैया का नाम लीजिएगा या लखनऊ राइड का नाम लीजिएगा, जो डिस्काउंट होगा अच्छे से अच्छे प्राइस में आपको देने की कोशिश करेंगे। तो भैया व्हाइट कलर की एस्पायर 4,50,000 में लखनऊ के नंबर 17 मॉडल गाड़ी, 17 मॉडल भाई ये भी अगली गाड़ी है। ये डिज़ायर है, 2016 मॉडल है, ओल्ड शेप में है। इसमें क्या हुआ था कि ये गाड़ी जैसे कुछ लोग अभी भी आप देखें तो न्यू शेप आ रही है करंट में, उससे इसके जो अगली जनरेशन वाली है वो भी इस समय आ रही है जी। वो लोग भी प्राइवेट नंबरों शायद कहीं ना कहीं सस्ती पड़ती हो या जो भी मैटर हो जी, लोग वो भी खरीद लेते हैं। तो उसी समय की इन्होंने भी परचेज की होगी जो इसके ओनर हैं। और 16 मॉडल गाड़ी है, सेकेंड ऑनर है, इंजन से और क्या नाम है टायर वगैरह से गाड़ी अच्छी होगी। नहीं, LDI है ये गाड़ी है। अगर आपको टैक्सी के पर्पस से गाड़ी लेनी है थोड़ा ऊंचा मॉडल है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि आपको स्पेस अच्छा मिल जाता जी, है बिल्कुल, क्योंकि इसमें लेग रूम अच्छा मिलता है, बूट स्पेस अच्छा मिलता है, थाई सपोर्ट वगैरह सीट। और एक बात और इम्पोर्टेंट बात है, इससे जो अप जनरेशन वाली गाड़ियाँ उससे इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। तो ये गाड़ी हम आपको दे देंगे 3,90,000 रुपये में। स्विफ्ट डिजायर मिल रही है आपको 2016 मॉडल 3,90,000 रुपए में। ओके भाई, अगली गाड़ी है ह्यूंडई की एक्सेंट जी। ह्यूंडई जाना जाता है अपने कंफर्ट के लिए है। अगर आपको कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए, एक अच्छी राइड क्वालिटी चाहिए, तो आप डेफिनेटली इस गाड़ी के सजा सकते हैं। ये है ह्यूंडई की एक्सेंट जी, 2016 मॉडल है, सेकंड ओनर है, 48-44 नंबर भी ठीक ठाक है, रेड कलर में, रेड ब्यूटी आप इसे कह सकते हैं। बिल्कुल भाई। और टायर से गाड़ी ठीक है, इंजन से, बैटरी से, गियरबॉक्स से, नॉन एक्सीडेंटल है, सब कुछ सही है गाड़ी में। और चली है आई थिंक 72,000-74,000 किलोमीटर डीजल में है, ठीक है। एवरेज भी आपको अच्छा मिलता है इसमें, 20+ का एवरेज देती है गाड़ी, कम्फर्टेबल भी है, राइड क्वालिटी आपको अच्छी प्रोवाइड करती है। जिस प्राइस में दे देंगे आप मार्केट चेक कर लीजिए या फिर इस सेगमेंट की कोई दूसरी कार चेक कर लीजिए, आपको नहीं मिलेगी। 3,60,000 रुपये में आपको दे देंगे गाड़ी, 3,60,000 में, वो भी सेडान कार। सेडान कार है भाई। अगली गाड़ी है हमारे पास मारुति सुजुकी बलेनो। कलर देख रहे हैं कितना तड़कता भड़कता आंखों में चुभता है कलर। UP 32 से भी लखनऊ नंबर 3003 नंबर भी आपको अच्छा ही मिलेगा, अच्छा मिलता है नंबर। डिटेल्स बलेनो है, डेल्टा है, 2016 मॉडल है, फर्स्ट ओनर कार है जी। और गाड़ी चली है 82,000 किलोमीटर। गाड़ी के चारों टायर नहीं, पांचों टायर अच्छे हैं। डीजल है? डीजल है। माइलेज? माइलेज 22-23 का एवरेज आराम से निकालती है, कोई इशू नहीं है। पावर फिगर और माइलेज बहुत अच्छा है, इसमें कोई इशू नहीं है। नंबर भी सही है, बॉडी भी सही है। डेल्टा आता होगा सेकंड टॉप? नहीं नहीं नहीं, ये आता है मिड वेरिएंट। ठीक है, सारे फीचर्स भी वर्किंग मिलेंगे, सारे सब कुछ वर्किंग है। चारों पावर विंडो मिल जाएगा, चारों पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, एसी, हीटर, ब्लोवर, दो एयरबैग, ABS, EBD। ठीक है। कलर की बात की जाए, आप देख रहे हैं कि आंखों में कितना चुभता है ये कलर। अगर आपको थोड़ा अलग गाड़ी चाहिए कि भीड़ में हमारी गाड़ी सबसे अलग लगे, तो आप डेफिनेटली ये अलग ही स्टैंड आउट करेगी भाई एकदम भीड़ में। गाड़ी आपको दे देंगे, डिमांड कर रहे हैं 4,90,000 रुपये, इसमें भी नेगोशिएट कर देंगे। और जो प्राइस आपने सुना है मार्केट चेक कर लीजिएगा, नहीं मिलेगी इस रेट में। ठीक है भाई, मार्केट चेक कर लीजिएगा, आशीष बता रहे इस रेट पे गाड़ी नहीं मिलेगी। बेलेनो अगली गाड़ी है, टाटा की टियागो। हाँ, बहुत ही सेफेस्ट कार मानी जाती है टाटा की। 2018 मॉडल गाड़ी है, फर्स्ट ओनर है, 63,000 है, एक्सेड है, XZ वेरिएंट है, टॉप मॉडल डीजल में। ओके, 22-23 का एवरेज देती है गाड़ी। ओरिजिनल पेंट की गाड़ी है, और ये हाँ ये वाली भी मतलब ओरिजिनल ही गाड़ियाँ हैं। ठीक है, ओरिजिनल पेंट की गाड़ी है, चारों अलॉय व्हील मिलते हैं, टायर से गाड़ी अच्छी है, और दो एयरबैग, ABS, CBD, ऑटो फोल्डेबल मिरर, सारे फीचर अच्छे खासे फीचर मिलते हैं। टॉप मॉडल गाड़ी है, सेफ्टी में 4-स्टार सेफ्टी रेटेड कार है भाई। आजकल सेफ्टी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अगर जिसको शहर में चलना है, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ ये गाड़ी बहुत बेस्ट है। एवरेज क्योंकि अच्छा है, और स्टीयरिंग वगैरह बहुत लाइट रहती है इसकी शहर के अंदर वो, और क्लच वगैरह है, और गियरबॉक्स बहुत स्मूथली वर्क करती है। पहले की टाटा की गाड़ियाँ नहीं है, विस्टा की 4 बार आप सेल्फ लें तब भी ना स्टार्ट हो, एक सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट होती है। गाड़ी ओवरऑल अच्छी है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, फीचर भी मिलते हैं, एक कॉम्पैक्ट हैचबैक है, शहर में चलना है, सब तरह से ठीक है गाड़ी। और ये गाड़ी हम आपको दे देंगे 3,90,000 रुपये में। 3,90,000 में टाटा की टियागो, एक नंबर की सेफेस्ट कार, बहुत अच्छी गाड़ी है। आप आइएगा,
इसमें निगोशिएट बिल्कुल करेंगे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि भाई मान सम्मान इसी तरह रखा जाएगा। जी बिल्कुल भाई, ठीक है। उसके बगल में अपनी मारुति ब्रांड की अगली गाड़ी है, रिज है, 2014 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है, 72-74 हज़ार के तकरीबन गाड़ी चली हुई है, पांचों टायर गाड़ी के अच्छे, नहीं चार तो एकदम ब्रांड न्यू पड़े हैं, पांचवा स्टेपनी में जो रखा है वो भी अच्छा है, चारों अलॉयबल है, टॉप मॉडल ZDI है, ठीक है, दो एयरबैग, ABS सिस्टम सब कुछ आपको मिलता है, ठीक है। गाड़ी मारुति की है तो इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं कि कैसा क्या होगा, इंजन वगैरह से बहुत अच्छी गाड़ी। ये गाड़ी हम आपको दे देंगे 3,30,000 रुपए में। चल कितना गई लगभग? 72-74 हज़ार के आसपास। हाँ। माइलेज वैसे क्या निकलती है? माइलेज वही जो स्विफ्ट का एवरेज है, डिजायर का वही एवरेज लगभग, ये भी निकलती 21-22 का। और मॉडल हो गया 14। हाँ मॉडल हो गया 14। 3,30,000 रुपए में, 3,30,000 में रिट्स ZDI। तो भैया अगली गाड़ी है हमारे पास वैगनार फैमिली कार है। जी बिल्कुल भाई, फैमिली कार है, वैगनार है, VXI है, UP40 बहराइच का नंबर है, सेकंड ऑनर गाड़ी है, 65,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, गाड़ी देख लीजिए बहुत जबरदस्त है, चाहे टायर से, चाहे इंजन से, चाहे गियरबॉक्स से, चाहे एसी से, चाहे हीटर से, चाहे सीट कवर से, इंटीरियर देख लीजिए, एक्सटीरियर देख लीजिए, गाड़ी एक नंबर है, कोई आपको कमी नहीं मिलने वाली गाड़ी के अंदर। VXI है, टॉप मॉडल गाड़ी है और चलाने में भी अच्छी होती है, एवरेज आपको 17-18 आपको एवरेज भी देगी पेट्रोल पे। 40 है, कहाँ का बताया? बहराइच बताया। तो और NOC? NOC वही की है, अभी जब आप जब लेंगे गाड़ी जहाँ के आप होंगे वहीं पे आपको NOC मिल जाएगी, क्या दिक्कत है? डिमांड रखी है भाई, 3,50,000 रुपए की डिमांड है, इसमें भी निगोशिएबल है, रेट का फिर से चैलेंज दे सकता हूँ मैं, रेट आप देख लीजिएगा कहीं नहीं मिलेगा, और जो चली है गाड़ी जेन्युइन चली है 65,000 किलोमीटर, लास्ट सर्विस 55,000 पे हुई थी, मैंने खुद चेक कराया है, आपको बस लाना है, एक बार सर्विस करा लीजिएगा, चलाइएगा, कोई इशू नहीं है। 2012 मॉडल गाड़ी है, वैगनार एक और है, अगली ऑप्शन वैगनार 2012 मॉडल है, फर्स्ट ऑनर है, आई थिंक कि सेकंड है यार, कंफर्म नहीं है, चलो ठीक है, कॉल करेंगे आपको, कंपनी फिटेड CNG है, ठीक है, CNG है, कंपनी फिटेड, ओके, ठीक है, और कंपनी फिटेड CNG है, चल गई होगी 70-80 हज़ार, 70-80 के आसपास चल चुकी है, याद नहीं है। CNG पे क्या निकलती है माइलेज? CNG पे लगभग 28-30 किलोमीटर पर KG का एवरेज आपको निकलती है। डिमांड रखी आपने 2,40,000, 2,40 में कंपनी फिटेड CNG वैगनार लखनऊ के नंबर पर है। अगली गाड़ी है हुंडई की सेंट्रो, सेंट्रो कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इंजन आके स्टार्ट करके देख लीजिएगा, तबीयत खुश हो जाएगी। तो गाड़ी कलर देख के भी तबीयत खुश हो रही है, बहुत अच्छी पॉलिश कितना होगा? एक आध पैनल है, नहीं कह रहे पूरी ओरिजिनल है, बट हाँ गाड़ी बहुत जेन्युइन है। UP32 लखनऊ नंबर, डिटेल्स बताइए इसकी। 2010 मॉडल है, आई थिंक फर्स्ट ऑनर है, चली होगी, ये चली है, मीटर देखना पड़ेगा भाई एक बार, 70-80 हज़ार जो भी चली हो भाई, हम कह रहे हैं कुछ भी चली हो भाई, लेकिन इंजन से गाड़ी बहुत अच्छी, बहुत एक बार सिर्फ स्टार्ट करके देख लीजिएगा, बहुत जबरदस्त गाड़ी है। ओनली पेट्रोल होगी? ओनली पेट्रोल है, 2010 मॉडल है, और ये गाड़ी जो भी चली है 70-80 हज़ार, और गाड़ी अच्छी है, एक बार लगाइए सेल्फ लगा के स्टार्ट करके, लेकिन पैसा बता दीजिए, दे दीजिएगा 1,30,000 रुपये ले जाइए। 1,30,000 में 10 मॉडल की आप अभी वो वैगनार लेने जाएंगे आपको नहीं मिलेगी इस रेट में, बिल्कुल भाई, और आपको मिल रही है इससे कम रेट में। बात और बता दें, ये एवरेज भले ही थोड़ा सा कम दे वैगनार की तुलना में, लेकिन जो कंफर्ट, जो रिफाइनमेंट लेवल, जो इसका इंजन के परफॉर्मेंस है, वो जो प्रोवाइड करती है ना गाड़ी, वैगनार इसके आजू बाजू में भी नहीं है, इतनी अच्छी गाड़ी ये है। तो भाई UP32 लखनऊ के नंबर पे आपको सेंट्रो 553 नंबर 1,30,000 में। अगली गाड़ी है 2010 मॉडल की है, जेन स्टीलो है, जी सेकंड ऑनर है, और कितना है, 62 है कुछ इसी हिसाब से चली है गाड़ी, ठीक है, पेट्रोल पे है, टायर आप देख सकते हैं गाड़ी के कितने बढ़िया कंडीशन में है जी, और गाड़ी ये आपको हम दे देंगे, देने वाले पैसा बता रहा हूँ, 1,30,000 रुपये मॉडल हो गया, 2010 ये भी है, तो भाई 10 मॉडल की जेन एस्टीलो 1,30,000 में भाई दे देंगे ना। हाँ, दे देंगे, और भी थोड़ा सा कमाएंगे आ जाएंगे भाई। तो एक और सेंट्रो आपको देंगे भाई, व्हाइट कलर पे, इस बार 2013 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है, 80,000 के आसपास चली हुई है, ओनली पेट्रोल, ये भी ओनली पेट्रोल है, टायर एकदम ठीक ठाक से कंडीशन में है, माइलेज क्या दे रही है अभी? 13-14 का देती है, बताने वाले तो बहुत कुछ बता देते हैं, लेकिन 13-14 ही हुंडई की सेंट्रो, अभी आपको वैगनार होगी पेट्रोल पे, वो 17-18 का देगी, लेकिन अगर वो के सीरीज के पहले जिसमें 1.0 लीटर और 4 सिलेंडर इंजन आता था, वो वाली भी 13-14 एवरेज देती है, लेकिन उसके ऊपर जो ये 1.0 लीटर 3 सिलेंडर जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये वाली आपको 17-18 का एवरेज देती है, और अगर इसकी बात की जाए ये भी आपको 13-14 का ही एवरेज देगी। डिमांड 1,75,000 रुपये 13 मॉडल गाड़ी, 13 मॉडल की सेंट्रो लखनऊ
के नंबर पर 175,000 कॉल करने पे हल्का फुल्का हो जाएगा ना। तो भैया नेक्स्ट कार के ऊपर हम आते हैं, तो नेक्स्ट कार हमारे फोर्ड की इको स्पोर्ट, डिमांडेड गाड़ी ऑल टाइम रही है भाई, इको स्पोर्ट है 0025 टाइटेनियम प्लस है, टॉप मॉडल, 6 एयरबैग, अरे वाह, 6 एयरबैग वाली है, पुश बटन स्टार्ट है, ऑटोमेटिक एसी है, एयरबैग एबीएस सीबीडी ये सब कुछ आपको मिलता ही है, टॉप मॉडल होने वाला है, टॉप मॉडल, पुश बटन स्टार्ट, टाइटेनियम प्लस है, कितनी प्यारी कंडीशन में है। हाँ भाई। थोड़ी साफ सफाई मांग रही, वो तो अभी कराएंगे ही आपके सामने, इसमें चाय गिर गई थी ऊपर, ठीक है, लेकिन जब आप आएंगे भाई आपको एक भी कमी इसमें नहीं मिलेगी ना, पूरा एकदम जी जी टॉप करके दी जाएगी। 82,000 किलोमीटर गाड़ी चली है, सेकंड ओनर है, फैमिली में ही ट्रांसफर हुई है, अच्छा इसका हम दावा कर सकते हैं, दावे की बात, क्योंकि लोग कुछ भी बताएं उसके ऊपर आप मत जाइए कि सेकंड ओनर फैमिली वाले बहुत लोग बताते हैं, लेकिन जेन्युइन में मिल ही जाएगा ना रिकॉर्ड है, क्योंकि भाई बताएं क्या उनके घर में 8 गाड़ियां हैं इको स्पोर्ट और 8ों का नंबर 0025। अच्छा, यही बाराबंकी से फैजाबाद आप जाने लगे तो एक जगह पड़ती है, हाँ। वो क्या कहते हैं उसे, अरे रुदौली के पहले है, चलो होगी कोई जगह, बस ये है कि आसपास में ही है, तो उन्हीं की गाड़ी थी, ठीक है, 82,000 चली है, सेकंड ऑनर है भाई, जो है वो है उसमें, ये तो कह नहीं सकते फर्स्ट ऑनर, लेकिन सेकंड ऑनर तो मानी ही जाएगी, सेकंड ऑनर है, गाड़ी अच्छी है, डिमांड, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, इंटीरियर की क्वालिटी अच्छी है, लेदर सीट कवर है, सब कुछ है, 4.5 लाख रुपये भाई डिमांड कर रहे हैं इस गाड़ी की, 4,50,000 में टॉप एंड वेरिएंट की इको स्पोर्ट विद पुश स्टार्ट बटन। हाँ, अगली गाड़ी है हमारे पास होंडा की ब्रियो है, 2014 मॉडल है, सेकंड ऑनर है, 89,000 में कंपनी रिकॉर्ड गाड़ी चली हुई है, स्टार्ट करके देख लीजिएगा, इतना चैलेंज कर सकता हूँ पेट्रोल कार, इसके अलावा कोई दूसरी समझ में नहीं आएगी, कारण ये है कहीं ना कहीं इसके लुक्स और इसका कलर की वजह से गाड़ी मात खा रही है, लोगों को नहीं पसंद आ रही है, लेकिन अगर किसी को इंजन के रिफाइनमेंट, होंडा जो लोग होंडा की गाड़ियां पेट्रोल में चला चुके हैं कहीं ना कहीं इसको प्रेफर करेंगे, इस बात का मेरा दावा है, गाड़ी दे देंगे 2,50,000 रुपये में भाई, 2,50,000 में 14 मॉडल की होंडा की ब्रिवो। अगली गाड़ी है हमारे पास फिर से हमारी चहेती, हमारी प्यारी फोर्ड एस्पायर, पूरी ओरिजिनल पेंट की गाड़ी है, 2016 मॉडल है, टाइटेनियम है, ओके, गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हैं कैसी है, कितनी जेन्युइन कंडीशन की गाड़ी है, 79,000 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी, 79 चली है, चारों टायर एकदम ब्रांड न्यू पड़े हुए हैं गाड़ी में, डीजल में है, और रॉकेट तो है ही है, रॉकेट तो है, एवरेज अभी आपको मैंने प्रीवियस एक जो एस्पायर दिखाई थी उसमें बताया ये था 27-28 का हाईवेज पे और सिटी में 17-18 का, ओवरऑल 20-22-23 का एवरेज आराम से निकालती है गाड़ी, हाईवे पे इसको चलाने के बाद दूसरी गाड़ियां भूल जाएंगे, या तो ये एक अच्छी है या तो फिर वॉक्सवैगन की यामियो है, इस सेगमेंट में दो ही राजा गाड़ी हैं, अब लोग इस वजह, अच्छा लोग समझते हैं कि ये फोर्ड कंपनी बंद हो गई है, इसने अपना बाइंडअप जैसे कर लिया है, बात आपकी सही है भाई, बाइंडअप कर लिया है, लेकिन ये भी बात समझिए कि आज भी पार्ट्स मिलते हैं जी भाई, अब तक इस्माइलगंज में इसका सर्विस सेंटर लखनऊ के अंदर था, वहाँ से उठ के कमता में भी ये खुल रहा है, आपने देखा होगा, ठीक है, आप इससे निश्चिंत रहिए कि आप इसकी सर्विस कॉस्ट आपको महंगी होती है, यही तो लोगों का वहम है भाई, इसकी सर्विस कॉस्ट सस्ती है, अगर आप एक बात बता दें फोर्ड के बारे में, अगर आप लोकल मैकेनिक के पास जा रहे हैं चूसते हैं वो फोर्ड के नाम पे वो लूटते हैं जी, वो हम मैं क्योंकि ये गाड़ी UP32GZ4100 यहाँ से सेल आउट की थी, उसमें वो बताया भैया इतना इतना खर्चा आया, हमने कहा कंपनी चले जाते अगर आपको ऐसा लगा, और यहाँ लोकल मैकेनिक उनको लूट लिए और कंपनी जाते, मेरा दावा है कि इससे सस्ती सर्विस, अगर फोर्ड से सस्ती सर्विस कोई कंपनी दे दे, लोग कहते हैं मारुति बहुत सस्ती देती है, चैलेंज करता हूँ कि अगर मारुति इतनी सस्ती सर्विस दे दे तो बताइए, अरे इसी उससे कहीं ज़्यादा सस्ती सर्विस होती है फोर्ड की, और जो सर्विस क्वालिटी आपको मिलती है वो फोर्ड से अच्छी कोई कंपनी नहीं दे सकती, फोर्ड और टोयोटा दो ऐसी कंपनियाँ हैं जिनको इनके सर्विस की क्वालिटी, सर्विस रिगार्डिंग बहुत अच्छी है, सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छा तो है भाई, तू तारीफ कर फोर्ड कंपनी की, तो भाई आप समझ लीजिए कितने ये लवर है फोर्ड के, और वो है, तो बात क्योंकि है। ये खुद भी फोर्ड चलाते हैं एस्पायर, तो भाई इसी डिमांड बता दीजिए, डिमांड 4.5 लाख रुपए है, थोड़ी ज्यादा लग सकती है, लेकिन गाड़ी भी आप देख रहे हैं कैसी है, मॉडल भी लखनऊ नंबर पे भी है, आप आइएगा कम हो जाएगा, थोड़ा नेगोशिएबल हो जाएगा ना। तो भैया अगली गाड़ी हमारे पास डिजायर, जो लोग सभी लोग चाहते हैं क्योंकि यहाँ मार्केट में आते हैं भैया, डिजायर लेंगे तो आइए डिजायर ले लीजिए आप, जी भाई आपको डिजायर मिल जाएगी, 2015 मॉडल गाड़ी है और थर्ड ओनर है, VDI है, ठीक है, 60-70,000 जो चली हो ऐसा मीटर शो कर रहा है, इसका माइलेज क्या निकलता होगा,
21-22-23 डिजायर का एवरेज अच्छा है, कोई इशू नहीं है और इंजन भी अच्छा होता है। 1.3 लीटर DDIS डीजल इंजन वन ऑफ द बेस्ट इंजन होता है जी भाई। गाड़ी ये 2 लाख चल जाए आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी चली है गाड़ी, क्योंकि इंजन से गाड़ी बहुत अच्छी होती है। डिजायर मारुति का इंजन ही बहुत अच्छा है ये। बाकी फीचर्स में बता दीजिए हल्का फुल्का क्या मिलता है। वही आपको म्यूजिक सिस्टम मिलता है और चारों पावर विंडो मिलते हैं, यही है फीचर। सब वर्किंग मिलेगा ना? हाँ वर्किंग है। अब बताइए डिमांड। 4,75,000 रुपये भाई। 4,75 में 15 मॉडल की डिजायर VDI। अगला ऑप्शन है हमारे पास हुंडई की वरना है, वरना ओल्ड शेप वाली है भाई। UP 32 लखनऊ नंबर 2121 नंबर भी बहुत ही प्यारा मिलेगा आपको। 2011 मॉडल है, सेकंड ओनर है, 69,000 चली है, ऑन रिकॉर्ड है। चारों पावर विंडो है, बढ़िया से सीट कवर पड़े हुए, यही सारे फीचर है। और क्या ही खास पेंट वेंट की बात कर ले कितना होगा? पेंट ऑलमोस्ट ओरिजिनल है, थोड़ा बहुत टचअप होगा ना। सिल्वर कलर है, इसमें फिलहाल कोई काम नहीं कराना। एसी चल रहा ना? हाँ, एसी सब कुछ वर्किंग। डिमांड क्या रखी है? डिमांड रखी है 2,50,000 रुपये में, वरना का सपना पूरा कर लीजिए, रॉकेट की तरह से दौड़ाई, क्योंकि वरना का जो इंजन होता है वो रॉकेट ही होता है। तो मात्र 2.5 लाख में आपको वरना मिल रही है, वो भी लखनऊ के नंबर पे, वो भी VIP नंबर, नेगोशिएबल, वो भी नेगोशिएबल हो जाएगा। इसमें थोड़ा बहुत में चलाना, थोड़ी लंबी गाड़ी चाहिए जिसको लंबा वाला फील चाहिए और वरना वाला फील चाहिए। वरना का क्रेज हमेशा से रहा है, अंदर से स्पेस अच्छा है, कम्फर्ट अच्छा है। हुंडई तो खैर कम्फर्ट के लिए जानी जाती है, और ऊपर से वो क्या कहते हैं बूट स्पेस बहुत अच्छा है। ठीक है, तो वरना जानते हैं, वरना ऑल ओवरऑल जो होती है अच्छी गाड़ी होती ना। अगली गाड़ी में हुंडई की इंडिगो जी भाई, अरे सॉरी टाटा की इंडिगो, टाटा की इंडिगो, हाँ हुंडई की बोल दिया, लखनऊ की है, लखनऊ नंबर है, फर्स्ट ऑनर है, 16 मॉडल है, CR4 इंजन है। इंजन से गाड़ी अच्छी, पेंट से देख लीजिए गाड़ी कितनी साफ सुथरी, अंदर के सीट कवर आप देख सकते हैं, फ्रंट प्रोफाइल आप देख सकते हैं भाई, कितना आपको प्यारी कंडीशन मिलने लगा। फीचर्स में क्या क्या फीचर्स में? वही चारों पावर विंडो मिलते हैं और बाकी सीट कवर की कंडीशन देखिए भाई, कितनी प्यारी कंडीशन में, हीटर ब्लोवर यही सब कुछ वर्किंग होगा, सब कुछ वर्किंग। माइलेज बता दीजिए लगे हाथ? 21-22 का एवरेज आराम से भाई, तभी इसको ट्रेवल्स में भी लोग बहुत लोग चलाते हैं। आप भी लेके चला सकते हैं, आराम से चला सकते हैं। फैमिली कार में चाहिए, सस्ते बजट में चाहिए, सेडान गाड़ी चाहिए, लंबी गाड़ी का फील चाहिए, अच्छी डिग्गी चाहिए, स्पेस चाहिए, अब ये गाड़ी ले लो भाई। सस्ता बजट बोला तो सस्ते रेट में चाहिए, बिल्कुल भाई। 16 मॉडल गाड़ी इस रेट में नहीं देगा कोई, ठीक है। और बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है, ये टाटा की गाड़ी है। 1,90,000 रुपए में 2 लाख के भी अंदर आपको गाड़ी दे देंगे। 1,90,000 में 16 मॉडल की UP 32 लखनऊ में इंडिगो। तो भैया अगली गाड़ी भी हमारे पास इंडिगो है जी, 2011 मॉडल है, CR4 इंजन पे है, फर्स्ट ऑनर गाड़ी है, गाड़ी अच्छी है भी, आप देख सकते हो ओरिजिनल गाड़ी है जी। टायर से भी देख सकते हैं बढ़िया, सस्पेंशन से, गियरों से, मतलब सब ओवरऑल अच्छी गाड़ी है। ठीक है, जो बातें उसमें बताई वो भी बातें आप इस पे भी इंप्लीमेंट कर लीजिए, वही सारी चीजें हैं। ठीक है, बस इसका मॉडल थोड़ा डाउन, इसलिए इसके पैसे भी डाउन होंगे, 1,35,000 रुपए। तो भाई 1,35 में भी आप कार का सफर पूरा करिए इंडिगो से, माइलेज में बेहतरीन गाड़ी। एक और ऑप्शन आपको CNG में है, Chevrolet बीट है, बीट है, 2017 मॉडल है, फर्स्ट ऑनर है, CNG है, और CNG में सस्ते बजट में गाड़ी चाहिए तो ये ले लीजिए, ये गाड़ी दे देंगे हम आपको 2,10,000 रुपये। मॉडल है 17 मॉडल, वाह भाई 17 मॉडल के CNG के साथ बीट, 2,10,000 में भाई। भैया अगला ऑप्शन है हमारे पास लखनऊ के नंबर पे सेंट्रो, 2001 मॉडल है, पेपर सारे वैलिड है, 55,000 चली है, जेन्युइन चली है, सेकंड ऑनर गाड़ी है, इंजन खोल के देख लीजिएगा, बहुत प्यारा बता दिए। एक मॉडल है आर 24 तक है। ठीक है, अभी करंट में क्या माइलेज दे रही होगी? करंट में पता नहीं कितनी देती होगी, चला के तो देखे नहीं, पेट्रोल है, चलने में अच्छी है, उसमें कोई दो ओनली पेट्रोल है, ओनली पेट्रोल है, 13-14 का एवरेज भाई। एक मॉडल है, सब कुछ वर्किंग मिलेगा, चारों टायर अच्छे। डिमांड बता दीजिए। डिमांड भैया 65,000 रुपये, 65,000 रुपये में आपको मिल रही है लखनऊ के नंबर पर सेंट्रो जी। ओके भाई, उसके बगल में एक और आपको ऑप्शन देंगे, दो ऑप्शन आपको दिखा चुके इंडिगो में, एक और ऑप्शन आपको देंगे, 13 मॉडल इंडिगो है, UP 41 के नंबर, TDI नंबर पे है, इंजन पर है ये, आपको 13 मॉडल के हिसाब से दे देंगे 1,35,000 रुपये, ये भी दे देंगे। चल कितना गई होगी जो हो यार, अभी मैं भैया याद नहीं रहता भाई। ठीक है, बाकी कॉल करेंगे तो बता दीजिएगा, 1,00,000 के अंदर ही होगी, तो मात्र मान के चलिए 35,000 में TDI इंजन साथ में इंडिगो UP 41। TDI में लेना ये ले लीजिए 13 मॉडल, और उधर वाली वो आपको 11 मॉडल की CR4 इंजन में मिल जाएगी, ये सामने आपको 16 मॉडल की CR4 इंजन में मिल जाएगी। ठीक है, अगले ऑप्शन पे आते हैं आशीष भाई, अगला ऑप्शन देंगे, अगला ऑप्शन है भैया VW MEO, MEO Volkswagen की MEO, कलर देखिए बहुत ही प्यारे कलर के साथ में, UP 34 है, सीतापुर। अरे भाई नंबर देखो भाई, 9999, 4 नहले आपको मिलने वाले हैं,
डिटेल्स क्या है? VW AMIO 2017 मॉडल की टॉप मॉडल हाईलाइन वेरिएंट। ठीक है, सेकंड ऑनर है, 52,000 चली है, लखनऊ ट्रांसफर है। ठीक है, गाड़ी आप देख सकते हैं कैसी है, सारे फीचर आपको गाड़ी के अंदर। डीजल है और माइलेज? माइलेज लगभग 21-22 के एवरेज आराम से देती रहती। ओके, ठीक है। और क्रूज कंट्रोल वगैरह भी अच्छे अच्छे इसके अंदर फीचर है, ऑटोमेटिक एसी है, मिरर लिंक है, वॉइस कमांड है, और इस सेगमेंट की गाड़ी में नहीं फीचर मिलेंगे। डिजायर लेने जाएंगे उससे आप ये मान के कि आप न्यू सेफ के डिजायर लेने जाएंगे 17 मॉडल, उससे हम 1,00,000 रुपये से भी ज़्यादा इस गाड़ी में आपको सेव करा देंगे। ठीक है, बाकी इसमें पेंट जॉब की बात कर ले, कुछ कितना कम हुआ? बोनट छोड़ के, डिग्गी छोड़ के पूरी गाड़ी हुई है। ठीक है, साइड में रखी है, डिमांड 5,00,000 रुपये। मॉडल हो गया 2017 की टॉप मॉडल, 17 मॉडल की टॉप मॉडल की AMIO विद VIP नंबर, और डिमांड रखी है 1,50,000 का नंबर ही है। 5,00,000? हाँ, 5,00,000। फिक्स नहीं है? नहीं, फिक्स नहीं है, बार्गेनिंग हो जाएगी। अगले ऑप्शन पे आते हैं। अगले ऑप्शन है भैया आर्टिगा है, 2014 मॉडल है, आर्टिगा 2014 मॉडल है, यूपी 32 चली है, लखनऊ नंबर इधर देखिए 0202, ये भी आपको VIP नंबर मिलेगा। आर्टिगा 2014 मॉडल, फर्स्ट ओनर ZDI है, टॉप मॉडल है। और डिमांड की बात की जाए, गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं 5,75,000। चल कितना गई होगी लगभग? 74,000 बताया तो, 74,000 चल चुकी ना, बाकी माइलेज निकाल रही है? माइलेज जो भी निकलता हो 18-17 का ही एवरेज है। और डिमांड रखी आपने 5,75 में आर्टिगा ZDI। अगली गाड़ी है 2020 मॉडल की आर्टिगा, और सेकंड ऑनर हो गई है जी, 43,000 चली है जनवन। मॉडल हो गया, मॉडल 20 है, 20 का है, और VDI है। फ्रंट प्रोफाइल देखिए भाई, न्यू शेप वाली आपको आर्टिगा हम लोग दिखा रहे हैं, VDI है ना? 9,75,000 रुपए में चल गई लगभग, 43,000। और रेट में हल्का फुल्का तो बार्गेनिंग भाई हो जाएगा ना। अगली गाड़ी है भैया बोलेरो, डिमांडेड भैया, जिसका आप लोग वेट कर रहे थे, बोलेरो SLX है, 2016 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है, 68,000 चली है, SLX गाड़ी है। SLX है ना, माइलेज निकलती होगी 15 के आसपास मानिए, बोलेरो का एवरेज पूछा ही नहीं जाता है, सब लोग भैया टैक्सी में लेने आते हैं, लेके जाते हैं। और लखनऊ का नंबर मिलेगा, पेंट जॉब की बात कर ले, इसमें कितना होगा? पूरी गाड़ी हुई है, पूरी गाड़ी हुई है, डिमांड रखी है 6,00,000 रुपये। मॉडल हो गया 16 मॉडल, 16 की। ठीक है, अगली गाड़ी UP 44 में आपको दे देंगे, सुल्तानपुर का नंबर है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, बोलेरो तो SLE है, 2014 मॉडल है, गाड़ी बहुत अच्छी है, पूरी ओरिजिनल पेंट की गाड़ी है। ये कितने दे देंगे? ये गाड़ी हम आपको दे देंगे 4,50,000 रुपए में, और इसमें भी निगोशिएबल है डिस्काउंट के, 4,25,00,000 की गाड़ी दे देंगे, 4,25,00,000 में दे देंगे भाई बोलेरो। एक और बोलेरो ऑप्शन UP 32 लखनऊ कर देंगे, आ जाओ। ठीक है, ये 17 मॉडल है, सेकंड ऑनर है, 15 मॉडल है, 15 मॉडल है, सेकंड ऑनर है, बोलेरो SLE है, ये भी गाड़ी पूरी ओरिजिनल पेंट की गाड़ी है। डिमांड की बात की इस गाड़ी की कर रहे हैं हम 5,25,000 है। कौन सा बोलेरो? SLE है। ठीक है, ओके। अगली गाड़ी है हमारे पास, ये टाटा की सफारी है, 2012 मॉडल है, ओनरशिप केवल 3rd है, और पूरी ओरिजिनल पेंट की गाड़ी है। ठीक है, टायर से गाड़ी ठीक है, इंजन से भी जबरदस्त है, ऐसा सफारी वगैरह का लोगों को डर रहता है थोड़ा कि इंजन पता नहीं कैसा हो, लेकिन एक बात हम आपको कहना बताना चाहते हैं, हमारे यहाँ कोई भी सफारी हो इंजन से हर गाड़ी अच्छी होगी, जिस बात का चैलेंज है क्योंकि हम भी जानते हैं खर्चीली थोड़ी गाड़ी है, तो अच्छी गाड़ी लाओ क्योंकि बाद में हमारे ऊपर ढीना भारी पड़ जाए, इसलिए अच्छी गाड़ी लाते हैं हमेशा। और सफारी अगर डाइकोल लेने जा रहे हैं आगे की, अगर ये जो क्रोम वाली प्लेट लगी है आप ये मान के चलिए वो गाड़ी अच्छी ही होगी, जिस गाड़ी में नहीं लगी है वो समझ लीजिए गड़बड़ होगी, क्योंकि ये प्लेट के 6,000 रुपये की है। और मोस्टली गाड़ियों में मैंने नोटिस किया है भाई, कंफर्म तो ये बात नहीं है कि जिन भी गाड़ी में प्लेट थोड़ी सेफ रहती है ना, वो गाड़ियाँ अच्छी ही निकलती हैं, वो लड़ी भिड़ी भी नहीं होती ना, एक तरह से ये कह सकते हैं, लड़ी भिड़ी भी नहीं, बाकी अच्छी भी होती है इंजन से सब, तो क्योंकि वो संभाल के चलाई जाती है ना जी भाई। 2,50,000 रुपए में दे देंगे, मात्र 2,50,000 में। हाँ, 7-सीटर गाड़ी, मात्र 2,50,000 में सफारी डाइकोर, कम बजट हो तो आप ले जाइएगा, और उसमें टैक्सी में चला सकते हैं, बोलेरो की जगह आप इसको, अरे नहीं टैक्सी छोड़ो भाई, अपना खुद के पर्सनल यूज में लाओ। गाड़ी है सफारी स्टॉर्म UP 31 हो गया लखीमपुर का, 00011 नंबर भी बहुत प्यारा मिलेगा, जहां कहेंगे वहां के एनओसी दे देंगे। EX वेरिएंट है, पूरी ओरिजिनल गाड़ी है, 17 मॉडल, 77,000 किलोमीटर, मॉडल 17, हां 17 मॉडल है, 77,000 चली है, रेट का देख लीजिएगा जी भाई, 6,50,000 रुपए में गाड़ी दे देंगे, 17 मॉडल की सफारी स्टॉर्म 00011 नंबर के साथ में, और डिमांड रखी है 6,50,000, बहुत जबरदस्त है, चैलेंजिंग रेट है, कोई नहीं देगा इस रेट में। ठीक है भाई, और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा, यही आज हमारे स्टॉक में था, यही नहीं भाई बहुत सारा स्टॉक में दिया कलेक्शन, यही है, बाकी थोड़ी बहुत और गाड़ियाँ आने वाली है,
जो आएंगी वो आपको अगले वीडियो में पता चलेंगी। जी भाई ठीक है, गाड़ी तो... आप जो भी पसंद हो भैया आप आइएगा, नेगोशिएट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है जी। और मान सम्मान जरूर रखेंगे, टाइमिंग का ध्यान रखिएगा, सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, क्योंकि भाई हम भी समझते हैं कि इंसान सुबह से फ्री होता है शाम को होता है, होता है तो आदमी जब लेटता है तभी कॉल कर देता है, तभी कॉल कर देता है, चलो उनको लेनी है भाई तभी तो कॉल करेंगे, ऐसे कॉल नहीं करेगा। बाकी आप अगर डाउन पेमेंट की बात की जाए, लगभग अगर आप 1 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर रहे हैं गाड़ियों में, तभी मोटा मोटा मान के चलिए कि वो गाड़ी फाइनेंस हो पाएगी। अगर आप ये सोच रहे सर 40-50 हज़ार रुपए दे के फाइनेंस करा देंगे तो थोड़ा मुश्किल है जी फाइनेंस होना। बाकी सिविल स्कोर आपका सबको डिपेंड करता है, आप ये मान के अगर आपको फाइनेंस कराना है तो आपके पास 1 लाख रुपए की व्यवस्था होनी चाहिए सर, तभी फाइनेंस हो पाएगा। मॉडल कौन सा जरूरी है? 12 के मॉडल के ऊपर करा देंगे। और पूरा यूपी? पूरा यूपी तो नहीं कह सकते हैं, बट 100 किलोमीटर रेडियस 100, 150, 200, 300 किलोमीटर का 300 तक भी हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा। ठीक है ओके। बाकी उसमें क्या है कि आपका सिविल स्कोर वगैरह और आपके डॉक्यूमेंटेशन सारे होने चाहिए जी, तब कोई दिक्कत नहीं होने में। ठीक है, बाकी स्क्रीन पे आपको नंबर मिल ही रहा है, आप यहाँ विजिट करिए, गाड़ी पसंद है, कॉल टाइमिंग का थोड़ा ध्यान जरूर रखिएगा। जो भी गाड़ियाँ 2 लाख के ऊपर की होंगी चल वही फाइनेंस होंगे, 2.5 लाख के ऊपर बजट की, बाकी अनीशे का कोई चाह रहे हैं तो वो तो आपका बजट वैसे ही पड़ जाएगा ना, वो तो आप ऐसे ले लेंगे कैश में ले लेंगे, क्योंकि उसके ऊपर की हमसे फाइनेंस करेंगे। ठीक है, तो आशीष भाई बाय करेंगे फैमिली को, बाय एवरीवन, और कंटेंट का ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से कहना पड़ रहा है जी बिल्कुल भाई, पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगली वीडियो के लिए जल्दी फिर से मिलते हैं ना, अगले महीने या 2 हफ्तों में मिलते हैं, फिर से मिलते हैं भाई। ओके बाय। तो दोस्तों आज आपके लिए बस इतना ही, आपको वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर आएगा, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा, सब्सक्राइब के साथ साथ आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है, जिससे हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तो जानकारी पहुंच सकेगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।